मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी के आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किसान नजर आ रहे खुश। सीएम कमलनाथ ने दिए व्यापम घोटाले में जांच के आदेश। ग्रुप फोर की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। एसआर मोहंती हो सकते मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव, 1982 के आईएएस अधिकारी हैं मोहंती, बसंत प्रताप सिंह की लेंगे जगह। कमलनाथ के पक्ष में राजी होने के बाद सिंधिया पर पार्टी हाईकमान का बढ़ा भरोसा, राज्य इकाई का बनाया जा सकता अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव का भी पद मिलने की संभावना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कर्ज माफी के फैसले की तारीख की, 10 दिन की बजाय 10 घंटे में लिया फैसला, सीएम कमलनाथ को दी बाबूलाल गौर की टैगलाइन बुलडोजर। सीएम कमलनाथ के खजाना खाली वाले बयान पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की सफाई, आरबीआई के तहत लिया कर्ज विकास कार्यों में लगाया, कहा कांग्रेस की सरकार के समय 4400 करोड़ का था राजस्व घाटा। राजेंद्र तिवारी मध्य प्रदेश के 16वें महाधिवक्ता नियुक्त, 1985 से 88 तक राज्य सरकार के रह चुके उप महाधिवक्ता, 1964 से विधि क्षेत्र में दे रहे अपनी सेवाएं। स्वराज एक्सप्रेस से बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करेगी कांग्रेस सरकार, जनता की अपेक्षा पर उतरेंगे खरा। योगी कैबिनेट की बैठक, 2018-19 के दूसरे अनुपूरक बजट मसौदे को लेकर हुई चर्चा, और भी कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। कानपुर नगर में सचिंडी पुलिस और महाराजपुर स्वैट टीम के हाथ लगी कामयाबी, 25,000 का इनामी बदमाश राजकुमार उर्फ बाबा गिरफ्तार।